रोड बनती है, पानी जमा हो जाता है, लोग आते हैं, गिरते हैं, कई लोगों के मोबाइल इसमें जा चुके हैं, कईयों की टांगे टूट चुकी हैं। जो विधायक जी हमारे वो स्वयं इस रस्ते पे जाना पसंद नहीं करते। कौन जाना पसंद करेगा, आधे आधे पैर तक पानी भरा हुआ है, कोई सुध नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, आदमी मर रहा है, मरे जी रहा है, जी से किसी से कोई मतलब नहीं। इस वक्त हम खड़े हैं खरगापुर गोमती नगर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड की क्या स्थिति है। बिना बारिश के ही यहाँ पर इस तरह से पानी भरा हुआ है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार, स्कूटी, बाइक जो भी निकल रही है तो इस घुटने तक भरे हुए पानी से उनको गुजरना पड़ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको अगर गाड़ी उनकी डिसबैलेंस हुई, जैसे बाइक या स्कूटी डिसबैलेंस हुई, तो इसी पानी में वो गिर जाते हैं और उनके कपड़े के साथ साथ वो पूरी तरह से भीग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जबकि यहाँ पर इस बार सभासद का चुनाव भी हुआ है और यहाँ से समाजवादी पार्टी के सभासद चुने गए हैं। यहाँ पे इस तरह से रोड पे पानी भरा हुआ है और हमेशा देखने को मिलता है कि इस रोड पे हमेशा पानी भरा रहता है। तो क्या समस्या है जिसकी वजह से ये पानी की निकासी नहीं है? समस्या यही कि यहाँ पानी निकासी कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना नाली है ना कुछ है। रोड बनती है, पानी जमा हो जाता है, लोग आते हैं, गिरते हैं, कई लोगों के मोबाइल इसमें जा चुके हैं, कईयों की टांगे टूट चुकी हैं। हमारे यहाँ के जो नेता हैं स्थानीय, वो आते हैं अपनी गाड़ी यहाँ से देख के यहाँ से मोड़ के इधर से निकाल ले जाते हैं। जो विधायक जी हमारे वो स्वयं इस रस्ते पे जाना पसंद नहीं करते। आम जनता बेचारी, कितने लोग आप यहाँ खड़े हुए, हम लोग वीडियो आपको दे सकते हैं, कम से कम ऐसे 50 वीडियो दे सकते हैं जिनके मोबाइल गिर गए, लोग गिर गए, चोट खा गए, गड्ढे हो गए, कोई वो नहीं। कितनी एप्लीकेशन विधायक जी के यहाँ पहुँचाई जा चुकी, कितना सब कुछ किया गया, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, वोट मांगने की जब बारी होगी तो तुरंत हाथ जोड़ के आएंगे, बताएंगे भैया वोट हम ही को दीजिएगा। मैम, मजबूरी है वोट देना हमारा, वो है। हम भी ये लोग सोचते हैं काम आदमी आएगा, काम करेगा, हमको काम से मतलब है। हम लोग की यहाँ पे दुकानें, एक कस्टमर नहीं आता। इस तरह की पानी आप देखे आइए, कितना पानी भरा हुआ है यहाँ, कैसे आदमी, कौन आदमी आएगा। हम लोग खुद यहाँ के होने के बावजूद इधर से जाना पसंद नहीं करते। कौन जाना पसंद करेगा, आधे आधे पैर तक पानी भरा हुआ है, कोई सुध नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, आदमी मर रहा है, मरे जी रहा है, जी से किसी से कोई मतलब नहीं। ये खरगापुर की मेन रोड है, ये खरगापुर की मेन रोड है, गली कॉलोनी नहीं, गली नहीं है, गली में आदमी घुस रहा है। मेन रोड का जब ये आएगा तो गली कूचेगा क्या होगा, ये आप लोग खुद अच्छे से समझ सकते हैं। इस पानी भरे होने की वजह से जो आसपास की ये दुकानें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता होगा। प्रभाव पड़ रहा है मैम, कस्टमर नाम की चुलिया नहीं है, और कैसे आपको बताएं। कोई आप आदमी आएगा तभी तो कस्टमर आएगा, जब एक रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो आदमी आएगा ही नहीं, तो कस्टमर आएगा तभी हम लोग का काम चल रहा। कस्टमर की है ही नहीं बिल्कुल, और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन केवल ये जल भरा हुआ है, दूसरा कोई रीजन के लिए आपने कहीं किसी से कुछ कहा नहीं। आपके यहाँ पे तो इस बार सभासद भी चुने गए। मैं बता रहा हूँ, हम लोगों के बगल में यादव जी हैं, वो सचिवालय में हैं, उन्होंने बकायदा सचिवालय पे भी सारा काम करा रखा है। हम लोग के माध्यम से विधायक जी के पास भी जाया जा चुका है। हम लोग के माध्यम से भाई साहब खड़े, इनके भाई ही सभासद है, इनके चाचा के लड़के ही है जो सभासद है, लेकिन उनका कहना यह है कि अभी तक उनको कोई निधि विधि आई नहीं। और उनका कहना अपनी जगह इसलिए भी सही, क्योंकि वो अभी प्रेजेंट टाइम में उनको बने हुए 2-4 महीने हुए, तो उनसे इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव डालना भी गलत है। तो इससे पहले तो सभासद यहाँ पे थी ही नहीं, इससे पहले प्रधान ही थी, तो प्रधान जी कुछ विकास नहीं कर, कोई विकास नहीं किया। यह होता तो ये विकास दिख तो रहा है, आप देखिए ना, विकास ही विकास है। पानी ऐसे जाइए नहा धो करके, कहिए नाव मंगा दे, नाव से टहलवा दे, उस पर निकल जाइए, ये विकास है खरगापुर का। आप बताइए, ये जो पानी भरा हुआ है, और जैसे कि इन्होंने कहा कि आपके चचेरे भाई सभासद हैं और प्रधान जी जो पहले के रहे हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया, आपके हिसाब से पूरे खरगापुर में इसी तरह की स्थिति है? पूरे खरगापुर में आप कहीं भी चले जाइए, इससे बेहतर आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी। मेन रोड ही जब ऐसी तो आप समझ सकते हैं कि गली कूचे का क्या हाल होगा। आप पैदल कहीं से निकल नहीं सकते हैं, आप इतनी खराब रोड है पूरे खरगापुर में है, जो आप कहीं भी चले जाइए, सबसे बड़ी समस्या खरगापुर की जल भरा हुआ है। आपका तो मेन रोड पे घर ही हो, इस तरह से पानी भरा हुआ है तो कैसे निकलना और सारी चीजें कैसे कर पा रहे? हम भी लोग पीछे से घूम के चले जा रहे हैं और क्या करें, पानी भरे होने के कारण इधर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए अब क्या किया जाए, दूर से घूम के जाना पड़ता है।
क्यों नहीं कहते अपनी जो समस्या है? हाँ तो जा रहा है, लेकिन अब आदमी सुनी नहीं रहा तो किससे कहा जाए। बाकी ये जो दुकानदार लाइन से मतलब दुकानें लगी हुई है, इनको भी परेशानी होती होगी? परेशानी हो रही, बरसात में पूरी तरीके से पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे एकदम। अभी जो यहाँ के जो सभासद चुने गए हैं, आप लोग एक बार भी उनके पास गए कहने के लिए कि हाँ ये रोड सही? कई बार गए, उनसे कहा है, उन्होंने कहा सही हो जाएगा सही हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक मतलब देखा गया कि रोड बन नहीं पाई है, तो आप आगे क्या करेंगे इसको बनवाने के लिए? अब कोशिश तो यही की जा रही, सभी लोग जा रहे हैं उनके पास, लेकिन वो यही कह रहे हैं बस निधि आ जाए हमारी, बस तैयारी शुरू हो जाएगी काम कराने की। लेकिन समाजवादी पार्टी में तो ये डंके की चोट पे कहा जाता है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो विकास बहुत तेजी से करते हैं, तो फिर काहे के लिए नहीं कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के ही सभासद हैं। नहीं अभी उनको तो 4 ही महीने हुआ है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है, उनके पास जाया जा रहा है, वो भी ये कह रहे हैं कि कराएंगे, लेकिन थोड़ा समय दे रहे हैं 2-4 महीने का कि होगा। आपने देखा कि सभी लोगों ने बताया कि यहाँ के जो सभासद हैं उनसे 3 से 4 बार इस समस्या के लिए बताया जा चुका है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक उनको निधि के पैसे नहीं मिलेंगे तब तक वो विकास के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ की जो नालियों की स्थिति है, जो सड़कों की स्थिति है, ऐसे ही बदहाल रहेगी, आगे भी ऐसे ही रहेगी जब तक उनको सरकार की तरफ से विकास के लिए निधि नहीं मिलती है। कैमरामैन सूरत के साथ मैं सोनम सिंह, TV24।